नमस्कार किसान साथियों, एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने, आपका भाई विजय जमींदार। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत धांसू होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको किसी भी दवाई के बारे में नहीं बताऊंगा, ना ही किसी फसल के बारे में बताऊंगा, ना ही किसी बीज के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे किसान भाइयों के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत बढ़िया है। ये अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो है खेत का काम बिल्कुल आसान हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा किसान भाइयों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आने वाले वीडियो और नोटिफिकेशन मेरे किसान भाइयों को मिल सके। तो जैसे कि किसान भाइयों मैंने कहा कि आपका काम आसान हो जाएगा, तो किसान भाइयों मेरे बहुत से किसान ऐसे होंगे जिनका ट्यूबवेल बहुत दूर होगा, 6-7 किलोमीटर होगा, कई किसान भाइयों का 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर भी होता है। खेत में पाइपलाइन दाब कर हुए अपने खेत में पानी जाते हैं, उनकी समस्या आती है ट्यूबवेल बंद करना, ट्यूबवेल चलाना। उनको स्पेशल ट्यूबवेल पर जाना पड़ता है, ट्यूबवेल बंद करना पड़ता है, अगर चलाना हो तो स्पेशल जाना पड़ेगा, ट्यूबवेल चलाना पड़ेगा। उस समस्या को दूर करने के लिए मेरे किसान भाइयों मैंने ये टेक्नोलॉजी मंगवाई है। तो ये आप देख सकते हैं मेरा ट्यूबवेल भी काफ़ी दूर पड़ता है। तो ये देखिए, आइज नाम से कंपनी है और आइज मोबाइल ऑटो नाम से ये बक्सा आता है, ये आप देखिए किसान भाइयों। अब इस बक्से के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या काम है इस बक्से का और आप कैसे इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं मेरे किसान भाइयों, ये आपका जो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल का स्टार्टर बोलते हैं जिसको, उस स्टार्टर से ये कनेक्ट होता है। ये वायर आप देख सकते हैं, ये वायर जो स्टार्टर के अंदर लगती है। जब भी आप ये स्टार्टर के से कनेक्ट होने के बाद जब भी आप इस पर घंटी मारेंगे, इसमें एक सिम डलती है किसान भाइयों, ये आप देखिए इस साइड एक सिम डलती है, किसका छोटा टावर होता है, टावर यहाँ पर लगता है और सिम यहाँ पर डलती है। जब आप उस सिम के नंबर पर घंटी मारोगे तो आपका ट्यूबवेल ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अगर फिर से आप मिस कॉल देते हैं उस नंबर पर तो आपका ट्यूबवेल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा मेरे किसान भाइयों। अगर डिम लाइट आती है तो ये आपको चेतावनी देगा कि डिम लाइट आ चुकी है, मोटर स्टार्ट नहीं की जाएगी। अदरवाइज आपकी मोटर में कोई फॉल्ट है, आपकी वायर में कोई फॉल्ट है, तो ये आपको सारी जानकारी देगा कि आपकी मोटर में दिक्कत हो चुकी है या आपकी मोटर में फॉल्ट है, ट्यूबवेल नहीं स्टार्ट किया जाएगा। आपके स्टार्टर में कोई दिक्कत है तो ये आपको घंटी मारकर बताएगा। ये दो प्रकार के होते हैं मेरे किसान भाइयों, एक तो जो होता है बैटरी वाला होता है, एक बिना बैटरी वाला होता है। जो बैटरी वाला होता है उसका काम होता है लाइट जाने के बाद आपको चेतावनी देना कि लाइट जा चुकी है, बिना बैटरी वाला होता है वो आपको चेतावनी नहीं देता कि लाइट जा चुकी है। तो किसान भाइयों, आप कहीं पर भी हो, पूरे भारत में आप कहीं पर भी हो, घर बैठे बाहर बैठे अपने ट्यूबवेल को चला सकते हो। सिर्फ एक मिस कॉल देनी है, मिस कॉल देने के बाद तुरंत आपका ट्यूबवेल स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके ट्यूबवेल में कोई दिक्कत है तो भी आपको ये चेतावनी देगा। और इसके साथ एक चीज़ और आती है मेरे किसान भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ वो, ये देखिए, ये इसका टावर है, पास से मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका टावर है, ये देखिए आप। और इसको लगाने का जो इसका साथ पर्चा आता है वो भी इसमें दिया गया है कि कैसे इसको अपने स्टार्टर के साथ, अपने ट्यूबवेल के साथ कनेक्ट करना है। इसके बहुत अधिक फायदे हैं मेरे किसान भाइयों, ये हर प्रकार से आपकी बहुत पूरी मदद करेगा। किसान भाइयों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मेरे बहुत से किसान भाइयों के दिमाग में एक बात और होगी कि इसमें सिम डलती है तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर उस सिम पर मिस कॉल देगा या घंटी देगा, फ़ोन करेगा तो वो ट्यूबवेल चला देगा, ऐसा नहीं होगा मेरे किसान भाइयों। इसमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है, इसमें सिर्फ वही नंबर, उस सिम में वही नंबर ऐड होते हैं जिससे आपको ट्यूबवेल चलाना है और बंद करना है। अगर आपने इसमें दो नंबर दिए हैं तो उस दो ही नंबर से ट्यूबवेल आपका चलेगा, तीसरे नंबर से ट्यूबवेल बिल्कुल भी नहीं चलेगा मेरे किसान भाइयों, क्योंकि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है, वे दो नंबर आप ऐड करिए उनसे ही ट्यूबवेल चलेगा, उनसे ही बंद होगा। अगर तीसरा व्यक्ति इस नंबर पर कोई घंटी मारेगा तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगी वो कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। इसका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आपको दिख रहा होगा शायद, उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करके आप वे नंबर ऐड करवा सकते हैं और इससे जानकारी जो है मिल जाएगी आपको, सभी प्रकार की जानकारी
इससे रिलेटेड मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे किसान भाइयों को मिल सके।